अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों, आज तिलों की फसल पे मैं दोबारा से स्प्रे करने लगा हूँ। और ये स्प्रे जो है, यहाँ पे मैं फाइटोचेक इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक ग्रोथ हार्मोन है जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करता है, लेकिन ये मैं सिर्फ उन्हीं जगहों पे आज कर रहा हूँ जहाँ पे तिल जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, तेज़ी से जो है वो अपना कद बढ़ा रहे हैं वहाँ पे। और पॉलीट्रीन सी ये जो है वो एफर्ट जैसे वाइट फ्लाई वगैरह के लिए जो है वो आज साथ में मिक्स कर रहा हूँ। तो फाइटोचेक सिर्फ वैसी जगह पे जहाँ पे तिल जो हैं वो हद से ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं और वहाँ पे जो फूल हैं वो उतने ज़्यादा नहीं उठा रहे जितने उन्हें उठाने चाहिए। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ज़्यादा जो है वो कद नज़र आ रहा है। तो उस कद को जो है अपने कंट्रोल में लाने के लिए ये फाइटोचेक जो है स्प्रे करूँगा। फाइटोचेक के जो हैं वो 10 ml इस टैंकी में डालूँगा। 10 ml के लिए मैंने ये 5 ml की सरिंज है, ये 2 सरिंजेस इसमें डाल दूँगा और साथ में पॉलीट्रीन सी जो है वो टैंक मिक्स कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरे तिल की फसल और इसके ऊपर हम फाइटोफिक्स और पॉलीट्रीन सी का जो है स्प्रे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो तिल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जबकि हम अगर इस तरफ देखें तो तिल जो हैं वो छोटे बनिस्बत छोटे हैं। यहाँ पे बड़ी फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर फास्ट ग्रोथ चल रही है वहाँ वहाँ पर मैं इसका जो है वो स्प्रे कर रहा हूँ फाइटोचेक का, ताकि ये जो है इसकी ग्रोथ कंट्रोल में रहे और ये जितनी भी ऊपर बढ़े फलियों के साथ बड़े, फलियों के बगैर जो है वो ना बढ़े। क्योंकि ये जब ओवर ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं तो ये फलियां कम उठाते हैं और फिर कद ज़्यादा कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो है उस साइड पे चूँकि अभी कद मुनासिब है, सही चल रहा है, तो वहाँ पे मैं ये फाइटोफिक्स का स्प्रे नहीं करूँगा।